नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बीजापुर में नक्सली बंद का असर, सभी दुकानें बंद, सड़कें सुनसान, बसों के पहिए थमे, एनकाउंटर में साथी की मौत पर बुलाया है बंद। बीजापुर में नक्सली बंद का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से कई दुकानें बंद है, सड़कों पर लोगों का आना जाना भी कम है, बस स्टैंड में भी दुकानें बंद है और सभी बसें खड़ी हुई है। बता दें कि नक्सलियों ने एनकाउंटर में अपने साथी की मौत के विरोध में बंद बुलाया है। बीजापुर में छत्तीसगढ़ तेलंगाना हाईवे पर बरदेला गांव के पास बुधवार को नक्सलियों ने लकड़ियों का ढेर रखकर आग लगा दी थी। इसके बाद आईईडी ब्लास्ट किया और फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके चलते रास्ता जाम हो गया था। सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई की थी। वहां मौजूद दो लोगों ने रिपोर्टर को बताया कि आगे दादा नक्सली लोग मौजूद हैं, जिन्होंने सड़क पर आग लगा दी है। टीम इसके बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ी। थोड़ी और आगे जाने पर करीब 7:20 पर आईईडी के धमाके और 7-8 राउंड फायरिंग की आवाज भी सुनाई दिए। जैसे ही फायरिंग रुकी, वहां से 5-7 लोग जानवरों जैसी आवाजें निकालकर अपने साथियों को सिग्नल दे रहे थे। जंगल से कुछ लोग जोर जोर से गालियां भी दे रहे थे। नक्सली उत्पात की खबर सुनकर कई लोग रास्ते से ही गाड़ी घुमाकर जिला मुख्यालय की ओर ही लौट गए। जिस जगह नक्सलियों ने आगजनी की, वहां से करीब 150 मीटर के फासले पर ही सीआरपीएफ का कैंप है। घटना की खबर पाते ही करीब 200-250 जवान मौके के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर फोर्स ने मार्ग बहाल कराया, लेकिन लोगों को बीजापुर जिला मुख्यालय की ओर जाने को कहा। बीजापुर जिले में मद्देर एरिया कमेटी प्रभारी नागेश पदम की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद से नक्सलियों में बौखलाहट है। नक्सलियों ने आज बीजापुर जिले में बंद का आह्वान किया। नक्सली नेता मोहन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर सभी को बंद में सहयोग करने की अपील की है। नक्सलियों ने बंद को लेकर नेशनल हाईवे पर करेमरका और गंगालूर सड़क पर बैनर भी लगाया है।